ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां मंदिर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटने से एमएलए आरिफ मसूद भड़के, सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद द्वारा केक काटकर मनाया गया प्रथम स्थापना दिवस। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां 12 बोतल अवैध देशी शराब के साथ एक शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि अदालत की गाइडलाइन में कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा उसके जवाब में भी प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार ध्वनि विस्तारित यंत्र बजाए जा सकते हैं, लेकिन पुलिस सीएम के आदेश के बाद मनमानी पर उतर आई, जिससे आम जनता खासी परेशान है। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसमें स्थिति को स्पष्ट करें, ताकि आम आदमी को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक कांग्रेस आरिफ मसूद का क्या कुछ कहना है। आपने आवाज उठाई है। देखिए, मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था और उन्होंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कहीं प्रतिबंध शब्द नहीं, मुख्यमंत्री जी का जो लिखित आदेश है उसमें प्रतिबंध शब्द नहीं है। मैंने विधानसभा में ये सवाल उठाया, जो विभाग खुद स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने मुझे लिखित में जवाब दिया है, उस पर भी प्रतिबंध शब्द का उपयोग नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि सारे लोगों को जहाँ जहाँ वायलेंस हो रहा उसको बंद कराओ। उस बंद कराने का पुलिस ये ले रही है कि तमाम जगह से टोटल प्रतिबंध कर रही है, जबकि टोटल प्रतिबंध का कहीं से नहीं है। मापदंड के अनुसार चलाने की अनुमति है, जिससे भ्रम फैल रहा है। और मुख्यमंत्री जी या तो स्पष्ट करें या डीजीपी को बोलें, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश में ताही ताही है, लोग परेशान हैं, बेजा पुलिस परेशान कर रही है। मुझे खुशी है इस बात पे कि मोहन यादव जी को कम से कम नमाज और मस्जिद याद है, इसके लिए तो ठीक कहूँगा। मछली कारोबारियों पर भी नमाज, मछली, मस्जिद, नमाज तो मोहन यादव जी को दिखता है, लेकिन बेरोजगार नहीं दिखता, किसान नहीं दिखता, बिजली कटौती गांव में नहीं दिखती, ये तमाम चीजें नहीं दिखती। तो इससे आप समझ सकते हो कि केवल ध्रुवीकरण है और कुछ नहीं। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां भीषण गर्मी में मरीज और मरीजों के अटेंडेंट का हाल बेहाल। हमीदिया अस्पताल का सर्वर फेल, मरीज काफी तादाद में परेशान, भूखे प्यासे कतारों में अपनी बारी और सर्वर आने का इंतजार करते नजर आए मरीज एवं उनके अटेंडेंट। सुस्त व्यवस्थाओं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को भोपाल में। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा के निर्देशन में मनाया प्रथम स्थापना दिवस। कानपुर देहात के जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन एवं सहायक सूचना अधिकारी ऋषि विक्रमादित्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों एवं जिला सूचना अधिकारी ने केक काटकर मनाया प्रथम स्थापना दिवस। संगठन के संरक्षक पीयूष दीक्षित ने सभी पत्रकारों को एक साथ संगठित होकर समाज के हित एवं स्वच्छ पत्रकारिता करने के निर्देश दिए। मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन ने पत्रकारिता के लिए दिए कुछ जरूरी टिप्स। वहीं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के प्रथम स्थापना दिवस में प्रमुख रूप से संरक्षक पीयूष द्विवेदी, प्रभारी जगमोहन प्रजापति, जिलाध्यक्ष अनूप गौड़, जिला उपाध्यक्ष संजय तिवारी, अर्पित उपाध्याय, धीरेन्द्र यादव, राष्ट्रीय सहारा के रोहित शुक्ला, शिवशंकर आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात नरेंद्र मोहन का क्या कुछ कहना है। इस संगठन का होना अति आवश्यक है और जरूरत भी है, इस समय की सिचुएशन को देखते हुए जो सब वातावरण बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पत्रकारिता के जो जन्मदाता थे थॉमस पेन, अमेरिकन क्रांति के नायक जिन्हें कहा जाता है, उनको एक पत्र निकालते थे कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस में उन्होंने दो बातें कही थी, पत्रकारिता के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, जिज्ञासा की और दूसरा साहस। जिस पत्रकार में जिज्ञासा और साहस आ जाएगा, वो पत्रकारिता की कसौटी जो होती है उसको पूरी तरीके से खराब करेगा। और इसी पत्रकारिता ने कई कई क्रांतियों को सफल बनाने का काम किया, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, रशियन क्रांति, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन आज का समय इस उपभोक्तावादी दौर में
इस उपभोक्तावादी दौर में जहां व्यक्ति नितांत स्वार्थी हो गया है, जहां व्यक्ति केवल अपने हितों को देख रहा है, जहां व्यक्ति ने समाज को छोड़ दिया है, राष्ट्र को छोड़ दिया है और सामाजिकता को छोड़ दिया है, वहां पत्रकारों की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और जहां लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल और केवल अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तैयार हैं, आप सलाहा करने के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसी स्थिति में पत्रकारों का दायित्व भी बढ़ जाता है और दायित्व बढ़ने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सर्वोपरि हो जाती है। जैसे अभी बीच में कई घटनाएं घटी, जौनपुर की घटना के आपने उदाहरण दिया, या अमर उजाला के वो पत्रकार जिन्होंने मिड डे मील की कहानी छपी थी, उसके बाद उनके परिवार के साथ जो चीजें होती हैं वो एक उदाहरण है कि किस तरह सच्चाई कहने पे कैसी सजाएं दी जाती हैं। जरूरी है कि इस तरह का संगठन आए, इस तरह की आवाज उठाए जो सच्चाई को दबाने का काम करते हैं, और तभी ये सफल हो सकता है जब सारे लोग अपना योगदान करें, सारे लोग इस संगठन के साथ जुड़ें और इस संगठन के जो मूल भावना है उस मूल भावना के साथ अपने आप को संबंध करें, तभी ये सफल हो सकता है। और इसके लिए पुनः आप सबको मैं बधाई देता हूँ। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना अध्यक्ष कपिल देव के कुशल नेतृत्व में 26 मई 2024 को चिलकाना पुलिस टीम द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त सुशील पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम फिरोजाबाद रोड अब्दुल्लापुर अहाड़ी की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 बॉटल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि नशे का आदी हूं तथा अन्य प्रांत से सस्ते दाम पे शराब खरीदकर यहां आसपास के क्षेत्र में महंगे दाम में बेच देता हूं, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वडोदरा के बाघोड़िया नगर के हुसैनी पार्क नवी नगरी क्षेत्र में MGVCL कार्यालय हुसैन पार्क सोसाइटी की महिलाएं अपील करने पहुंची। बाघोड़िया के हुसैनी पार्क सोसाइटी में रहने वाले निवासियों को बिजली आपूर्ति में कम वोल्टेज मिल रहा है। कम वोल्टेज के कारण फ्रिज, टीवी, पंखे जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, घरेलू बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं। इस वजह से निवासियों ने अपील की कि अगर सही तरीके से बिजली नहीं मिली तो हम GEB कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। उन लोगों की अपील है कि उच्च अधिकारियां उन पर ध्यान दें। हमें हुसैनी पार्क सोसाइटी में की 32 महिलाओं यहीं आई थे GEB में, तो अभी हमारा यहाँ पंखा लाइटो बहुत डिम छे, फ्रीज बगड़ी जाए छे, पंखा नाना नाना बाड़को अमारा इतला बीमार थई जाय छे, इतली गर्मी लागे छे, राती सुवानु नहीं, दिवसे नहीं सुवानु, एनो सो आवे उकेल करसो, करो नहीं तमे करो तो अमे अहींया बेसीसू गेट पासे, नहीं आगळ नहीं तो पछी अमे आगळ कार्यवाही करीशू, नहीं करो तो छावे छे साहेब, એની લીધે અમારે લાઇટ બંધ થઈ જાય છે, ગોળા બંધ થઈ જશે, પંખા બિલકુલ બંધ થઈ જાય, થોડી વાર થાય પાછો ચાલુ થાય, પાછો બંધ થઈ જાય પંખો અમારો, પછી કુલર હો બંધ થઈ જાય છે, તાત્કાલિક કુલર લાયા, પંખા ચાલતા નહીં, તમે કુલર લાયા, કુલર બંધ થઈ જાય છે, તો અમારે એનો શું ઉપયોગ લેવાનો બોલો, તો અમે એટલે અમે બીજું અમે આવ્યા સાહેબ તને મળવા, કેટલા સમયથી આ પ્રોબ્લેમ થાય સાહેબ, અમારા 2 વર્ષ થયા છે, એક વખત થુંભલા સાહેબ નાખી ગયા છે, પણ સાહેબ એ થુંભલા જોવા આવતા જ નથી હજી તો, અધિકારીઓ આયા હતા પણ એ જોવા આવતા નથી, હજી અમે એમની પાસે અમે 2 વખત અરજી નાખી છે, અરજી હો નાખી છે પણ અરજી નો ઉકેલ કરતા નથી, તો અમે એની પાસે શું કરીશું, અમે બોલો એ જો નહીં કરે તો અમે તો પછી એનો લેન અમે કરીશું, બેસી જઈશું ને પછી નહીં આગળ કરે તો અમે આગળ જઈશું, પછી અમે GEB ના કર્મચારી તમને શું કીધું અત્યારે, એમને કીધું આપણે કે અજય સાહેબ કે મે ગયા છે, વિજિત મે ગયા છે, વિજિત મે થી આવે તો તમે સાહેબ જોડે વાત કરો, હવે સાહેબ વાર લાગશે તો અમે તો કરના સાહેબ અહીંયા 11:30 વાગે આવીને બેઠા છે, કેટલા વાગ્યા આપણે હવા બહાર થયા છે, બોલો શું કરીએ, ભૂખા પ્યાસા બેસી જ રહીએ, એમની જવાબદારી લેવાના સાહેબ, એનો સોલ અમને કરો તો જ અમે અહીંથી જઈશું, ઓકે તો પછી અમે બેસી વોલ્ટેજ ના લીધે અમારા ઘરમાં કઈ પણ ઉપકરણ ચાલતું નથી, ફટ લઈને બંધ થઈ જાય છે,
અને અમારા બે ત્રણ વાર ફ્રીજ તો બગડી ગયું છે, એની જવાબદારી કોણ લેશે અમારે? એટલે જે તમારા ઉપકરણો છે તેમાં શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે? લો વોલ્ટેજના કારણે અમારે ઉપકરણ બળી જવાની એ તકલીફ થાય છે અમારે. અત્યારે તમે જીબી પર આવ્યા છો તો જીબી પર તમને અધિકારીએ શું કીધું? અધિકારી જે મેન અધિકારી તો છે ને અહીંયા ઉપલબ્ધ, જેના નીચેના અધિકારી અમે વાત કરી તમને કે તમે લખીને અરજી આપી દો, એ પ્રમાણે અમે અહીંયા અરજી લખીને આપી દે અમને, તમે સહી કરીને આપી દો અમને બધા ભેગા થઈને, જો અમે સાહેબને ઉપર રજૂઆત કરીને અમે ઉપર કહીશું તો તમારો જે આવે તમારો જવાબ આપશો અમને કીધું અમને. હવે આજે તમારું આ સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો તમારું આગળનું સ્ટેન્ડ શું રહેશે? નિરાકરણ નહીં આવે અમે લોકો જીબીના ગેટ પર અમે ધરના પર બેસીશું, અમે બે દિવસમાં જવાબ નહીં આવે અમારે. फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू.